स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः एक बार आने वाली 17 मार्च को होलिका दहन के विषय में चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि कई बार कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो उपयोगी होती हैं, और इसी उद्देश्य से हम आप लोगों के मध्य वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इस बार सबसे प्रथम तो होलिका दहन और होली रंगोत्सव को लेकर के थोड़ा सा संदेह है। यद्यपि ये संदेह वहाँ पर है जहाँ पर दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि 18 तारीख को प्रतिपदा तिथि देर से लग रही, तो कहीं कहीं पर ये होली का जो रंगोत्सव है, जो रंग की होली है, वो 19 तारीख में हो रही है। होलिका दहन 17 को हो रहा, लेकिन स्थानीय पंचांग के अनुसार ज़्यादातर पंचांगों में होलिका दहन 17 तारीख को, 17 मार्च को, और 18 तारीख को रंग की होली रंगोत्सव निर्विवाद रूप से। तो होली के पीछे वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि होलिका क्यों मनाई जाती है, इसमें प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का आख्यान जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा कामदेव और भगवान शंकर की कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और भी कई सारी कथाएं हैं। तो भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने बड़ा प्रयत्न किया, और जो होलाष्टक लगता है होली के 8 दिन पूर्व, कहा गया है कि होलिका प्राग दिनाष्टकम, होली से 8 दिन पूर्व जो होलाष्टक का जो समय अवधि होती है वो इसीलिए वर्जित की जाती है कि इस दौरान ही कामदेव ने प्रयत्न किया था भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए। और अंततः होली के दिन, होलिका वाले दिन, जब भगवान शंकर जब बहुत ज़्यादा अति हो गई, तो भगवान शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। इसलिए कहा जाता है कि होलिका दहन जो है असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, ये उसका त्यौहार है, उसी रूप में मनाया जाता है। तो जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में होलिका मनाया, होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन करने के कई सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जो पालनीय होते हैं, और अगर उन नियम के तहत ना किया जाए तो होलिका दहन करने से नुकसान भी होता है। सबसे पहला नियम यह है कि होली जो है भद्रा काल में नहीं जलानी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे कार्य भद्रा काल में निषेध किए गए हैं, शुभ कार्य, बहुतायत शुभ कार्य जो है भद्रा काल में निषेध किए गए हैं, लेकिन विशेष रूप से दो चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यक रूप से वर्जित हैं। भद्रायाम द्वय न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, श्रावणी यानी रक्षाबंधन और होलिका दहन दो भद्रा में विशेष रूप से वर्जित हैं। इनको करने से, भद्रा में करने से इनका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, इसलिए उसमें विस्तार में नहीं जा करके आगे की बात करते हैं। इसके अलावा तीन शर्तें होनी चाहिए होलिका दहन में, रात्रि का समय हो, भद्रा ना हो, और पूर्णिमा तिथि हो। तीनों शर्तें जब लागू होती हैं तो उस समय होलिका दहन किया जाता है। भद्रा बीत चुकी हो और पूर्णिमा तिथि हो और रात्रि का समय हो, तो इस बार 17 मार्च 2022 को दोपहर बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
और सूर्यास्त के बाद में प्रदोष काल का समय शुरू हो जाएगा। भद्रा रात्रि में करीब 12 बजे के बाद में व्यतीत हो रही है, तो लेकिन स्थिति क्या है कि रात्रि में होलिका दहन उतने समय संभव नहीं होगा, तो भद्रा के मुख काल को त्याग करके जो होलिका दहन का जो शुद्ध समय बैठेगा करीब प्रदोष काल के समय लगभग 6:30 बजे से लेकर के और 9 बजे के मध्य का, क्योंकि इस दौरान तीनों शर्तें लगभग लगभग पूरी होंगी। इस समय भद्रा पुच्छ काल होगा, क्योंकि कहा गया है कि अगर भद्रा पूरी व्यतीत ना हुई हो तो भद्रा मुख को सर्वथा परित्याग करना चाहिए, भद्रा मुख का परित्याग करना चाहिए, लेकिन भद्रा में होलिका दहन नहीं होना चाहिए। तो प्रदोष काल के समय इस बार 17 मार्च 2022 को जो होलिका दहन का जो उचित समय रहेगा वो लगभग 6:30 बजे से, सायंकाल 6:30 बजे से और 9 बजे के मध्य का अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। होलिका दहन को कई रूपों में कई नामों से जाना जाता है। इस दिन नवान्नेष्टि भी किया जाता है, इस दिन जो है नए अनाज तैयार हो जाते हैं, उन नए अन्न को होलिका की अग्नि में भून करके उसको एक प्रकार से यज्ञ किया जाता है उसका, और फिर प्रसाद स्वरूप उसी अन्न को लोग बांट करके आपस में खाते हैं। ये एक प्रकार का यज्ञ होता है, नवान्नेष्टि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा होलिका दहन में कई सारी चीज़ें, कई सारे पदार्थ ऐसे हैं, कई सारी वस्तुएं ऐसे हैं जिनको डालने से शुद्धता भी आती है और आदमी को आर्थिक, पारिवारिक और शारीरिक कष्ट भी दूर होता है। जैसे होलिका दहन में हवन सामग्री का प्रयोग किया जाए, हवन सामग्री से आहुति दी जाए, गूगल, राई, सरसों इत्यादि की आहुति देने से घर में शुद्धता आती है, नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा इलायची है, लौंग है और धूप इत्यादि है, इनका प्रयोग करने से मन में शांति होती है, वातावरण भी शुद्ध होता है। और ख़ास करके जो इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा जो ज़्यादा चलती है उससे मुक्ति प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, तनाव दूर हो जाते हैं। होलिका दहन में, होलिका दहन से पूर्व उसकी पूजा भी की जाती है। इस बार जो पूजा का जो समय होगा वो दिन में 1:30 बजे के बाद होगा, 17 मार्च 2022 को 1:30 बजे के बाद होगा दिन में पूजा का जो शुभ समय होगा। पूजा रोली, अक्षत, पुष्प, एक लोटा जल, कच्चा सूत, पान, सुपारी, नारियल इत्यादि लेकर के वहाँ जल चढ़ा करके और ये सब चीज़ें होलिका को अर्पण करके 7 परिक्रमा करें कच्चा सूत लपेटते हुए, और अपनी मनोकामना होलिका से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, ख़ास करके जो कन्याएं हैं उनको मन इच्छित वर प्राप्त होता है, सुयोग्य वर प्राप्त होता है, और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनके पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा विशेष रूप से उपलों की माला, 4 उपलों की माला, ये सब करने के बाद में 4 उपलों की माला, एक देवपितरों के नाम की, दूसरी माला हनुमान जी की, तीसरी शीतला माता की और चौथी माला घर परिवार की, इस तरह से 4 उपलों की माला को अर्पण करें वहाँ पर और अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तो एक बार पुनः होलिका दहन का जो समय है वो सबसे उचित समय जो पंचांग के अनुसार है, वैसे तो कई लोगों ने बताया है कि रात्रि 9 बजे से लेकर के और 10:15 बजे के बीच का मुहूर्त शुभ रहेगा, लेकिन पंचांग के अनुसार, स्थानीय पंचांग के अनुसार सायंकाल लगभग 6:30 बजे से 9 बजे के मध्य का रहेगा। पूजन का समय 17 मार्च को दिन में 1:30 बजे के बाद रहेगा, ये समय है पूजन का और मुहूर्त का। इस तरह से करके आदमी होलिका पूजन करे और फिर होलिका की भस्म, अगले दिन जो होलिका की भस्म ला करके घर में रखने से, उसमें राई और नमक मिला करके रखने से घर में सुख समृद्धि आती है,
और किसी को आर्थिक परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है, और किसी के घर में अगर रोग आदि की समस्या है तो वो भी हट जाती है। तो इसलिए होलिका की भस्म को अगले दिन अपने घर में जरूर लाना चाहिए, उससे जो है नकारात्मकता तो दूर होती है, साथ में आर्थिक परेशानी भी दूर होती है और पारिवारिक कष्ट, शारीरिक कष्ट भी दूर होता है। होलिका की भस्म जो है बहुत उपयोगी है, इसलिए उसको लाना चाहिए, क्योंकि उसमें अग्निदेव का बाकायदा पूजन होता है, तो अग्निदेव की कृपा से घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आती है ऐसा करने से। तो होलिका दहन की भस्म को लाएँ और उससे जो है तिलक भी करें, और तिलक करने के साथ साथ में उसको घर में भी रखें, अपने तिजोरी इत्यादि में रखें, तो उससे बरकत होती है और बहुत लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।